आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक धैर्य से देखिएगा, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो देश के हर वोटर से जुड़ा मामला है। द वोटर वेरिफाइबल पेपर ट्रेल यानी वीवीपैट मशीन को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2013 में इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया था। मकसद था कि वोटर को इस बात का यकीन हो कि उसका वोट सही जगह पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, पेपर ट्रेल सिस्टम चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। ईवीएम में वोट रिकॉर्ड होने के बाद वीवीपैट से निकलने वाला प्रिंट आउट तय करेगा कि वोटर का वोट सही जगह दर्ज हुआ है कि नहीं। लेकिन क्या वीवीपैट लाने से चुनावी प्रक्रिया फुल प्रूफ हो गई है? जवाब है नहीं। क्या ईवीएम वीवीपैट की जोड़ी को मैनिपुलेट किया जा सकता है? दुर्भाग्य से इस सवाल का जवाब है हाँ। जब आपने 2019 लोकसभा चुनाव में वोट डाला था तो आपने पाया होगा कि वीवीपैट इस तरह का दिखता है। इसकी जगह उस बैलेट यूनिट के ठीक बगल में होती है जिसमें बटन दबाकर आप वोट डालते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया और वीवीपैट मशीन को चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया। लेकिन एक गंभीर तकनीकी खामी ने वीवीपैट को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के मकसद पर पानी फेर दिया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मान लीजिए कि ईवीएम एक कंप्यूटर है। इसके बैलेट यूनिट कीबोर्ड की तरह काम करते हैं और इसका कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव है। मान लीजिए कि वीवीपैट मशीन कंप्यूटर से लगा प्रिंटर है। जब भी बैलेट यूनिट में वोट दर्ज किया जाता है तो इसे ईवीएम के कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। इसके बाद वीवीपैट मशीन से निकलने वाला प्रिंट आउट तय करता है कि वोटर ने ईवीएम में जिस बटन को दबाया वही वोट दर्ज हुआ है। ये इंफॉर्मेशन या वोट बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में और फिर वीवीपैट मशीन में जानी चाहिए। लेकिन द क्विंट ने पाया है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन को जिस प्रकार से जोड़ा गया है उसमें ऐसा नहीं हो रहा। मौजूदा प्रोसेस में बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में वीवीपैट मशीन है। ऐसे में बैलेट यूनिट सबसे पहले वोट को वीवीपैट मशीन में भेजता है जहाँ से वोट का प्रिंट आउट निकलता है और फिर वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में दर्ज होता है। आप पूछ सकते हैं कि इसमें गौर करने लायक क्या बात है। जब वीवीपैट मशीन को चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था तो ईवीएम सिर्फ बैलेट यूनिट का बटन दबाने से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को दर्ज करता था। तब ईवीएम को मालूम नहीं होता था कि ये बटन किस पार्टी का है। लेकिन वीवीपैट आने के बाद ये मुमकिन हो गया है कि उसे बताना पड़ता है कि बैलेट यूनिट का हर बटन किस पार्टी और किस कैंडिडेट का है। वीवीपैट मशीनों में पार्टी का चुनाव चिन्ह और कैंडिडेट के नाम लैपटॉप से दर्ज किए जाते हैं। ये काम चुनाव की तारीख से 2 हफ्ते पहले BEL और ECIL जैसे ईवीएम बनाने वाली कंपनीज के इंजीनियर्स करते हैं। अब अगर कोई चुनाव के नतीजे को मैनिपुलेट करना चाहे तो वो बाहरी डिवाइस से मालवेयर डाल सकता है। इसका मतलब है कि लैपटॉप वीवीपैट मशीन में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डालते वक्त मालवेयर डाल सकता है। इस मामले में हमने पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन से बात की जो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनाव अधिकारी थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech किया है। उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि मैलवेयर किस तरह ईवीएम के वोट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। इट इज क्रूशियल पोजीशन दैट द वीवीपैट इज इन। द वीवीपैट इज कनेक्टेड फॉर द सिंबल लोडिंग टू एन एक्सटर्नल डिवाइस। लेट्स अज्यूम नाउ अ मैलवेयर गेट्स ऑन टू द वीवीपैट। नाउ लेट्स अज्यूम दैट मैलवेयर डज व्हाटएवर यू आर प्रेसिंग इन द बैलेट यूनिट, इट प्रिंट्स द सेम थिंग इन द वीवीपैट। सो व्हेन द वोटर इज क्लिकिंग ही इज सैटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट ओके आई हैव प्रेस्ड कैंडिडेट 1 and the symbol and name of the candidate one only has been printed by the VVPAT. Okay, we don't know what is going from the VVPAT to the control unit. Let's assume the malware is capable to send something else to the control unit. Let's say the candidate one is pressed, the candidate one's slip is printed, but the VVPAT sends the vote to the control unit to candidate two. Okay, the thing here is that now the VVPAT already knows who is that candidate two. So an intelligent manipulation is possible.
At that point of time, voter has no way of knowing what has gone to the control unit. सीधे शब्दों में कहा जाए तो कन्नन गोपीनाथन के मुताबिक अगर वीवीपैट मशीन में कोई मैलवेयर है तो वीवीपैट ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में वही सूचना भेजेगा जो उसे मैलवेयर बताएगा। इस सूचना का वोटर के बैलेट यूनिट में दबाए गए बटन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो क्या ये डर सही है? द क्विंट में पहले ही ये खबर छप चुकी है कि वीवीपैट मशीन्स में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डालने वाले इंजीनियर्स प्राइवेट कंपनीज के थे। क्या हम अब भी कह सकते हैं कि हमारी चुनावी प्रक्रिया सुरक्षित है? साफ जवाब है नहीं। चुनाव आयोग अपने बचाव में बेतरतीब या रैंडमाइजेशन व्यवस्था का हवाला देता है, जिसका मतलब है कि किस ईवीएम वीवीपैट की जोड़ी किस चुनाव क्षेत्र में जाएगी कोई नहीं जानता, लिहाजा उन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस तर्क में कोई दम नहीं, क्योंकि वीवीपैट मशीनों में किसी खास चुनावी क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों और पार्टी के नाम डाले जाते हैं। इसका मतलब है कि इस जानकारी के बाद कि कोई वीवीपैट मशीन कहां जा रही है, उसमें दर्ज आंकड़ों को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। हमने चुनाव आयोग से ये गंभीर सवाल किए, वीवीपैट मशीन्स को बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच क्यों रखा जाता है? वीवीपैट मशीन कंट्रोल यूनिट में जाने वाली इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल क्यों रखता है? इसे उल्टा क्यों नहीं किया जा सकता? क्या इस खामी के कारण वीवीपैट ईवीएम की जोड़ी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता? अब तक चुनाव आयोग ने इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। एक वोटर होने के नाते हम में से हर किसी को ये जानने का हक है कि हमारी चुनावी प्रक्रिया सुरक्षित है या नहीं, और लोकतंत्र को किसी तरह का खतरा तो नहीं। आश्चर्य है कि इन सवालों पर चुनाव आयोग खामोश है। जब तक हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, हम सवाल पूछते रहेंगे और उससे जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे।